हेलो मियावीज, वेलकम टू माय चैनल मीरो एंड बाबरी। और आज के व्लॉग में हम इन क्यूट किटन्स का सोने का स्टाइल दिखाएंगे कि ये कितने क्यूट क्यूट पोज में सो जाते हैं, और जब गहरी नींद में होते हैं तो इनको सुध नहीं रहती ये कैसे पड़े हैं, कैसे सो रहे हैं। तो बने रहिए व्लॉग में और एंड तक देखिए इनका सोने का स्टाइल। के भाई ये कौन सा स्टाइल है सोने का, कौन सा स्टाइल है? ये थक के सो गया है क्या? अरे मम्मी गर्दन टूटी पड़ी इसकी तो सोए सोए पे। ऐसे क्या नींद आ रही है बेटी, यहाँ सो आराम से। ओए आतंकवादी, ये घुस रही होगी ना इससे ज्यादा तो नहीं? नहीं, बैठा बैठा सो गया। नींद में टूटन में टूट रहा है ये देखो, ये देखो ए टूटन। ये भाई वो मस्ती चल रही को, ओ भाई साहब ये कौन सा सो रहा है, सो रहा है गलगल करना, गलगल 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 करना, गलगल 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 करना, गलगल गलगल करना। ये टांग 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 उठा के दिखाई जा रही मुझे, टांग उठा के दिखाई जा रही, ये टांग क्यों उठा के दिखाई जा रही है, ये टांग क्यों उठा के दिखाई जा रही है, ये टांग क्यों उठा के दिखाई जा रही है? ऐसे सो रहे कैदियों की जैसे। इसको तो कुछ ज्यादा मस्ती थोड़ी, गुल गुल कर दूंगी इसके, मैं इसको गुल गुल कर दूंगा, इसको गुल गुल कर दूंगा, मैं इसको गुल गुल कर दूंगा। मैं कौन सा तरीका है ये सोने का भाई, कौन सा तरीका है ये सोने का? एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के सोते हैं, कोना पकड़ पकड़ के सोते हैं। ये हाथ बाहर निकाल के कैसे सो रहे हो, ये कैसे कैसे हाथ बाहर निकाल के, चुहाते चुहाते बच्चों के हाथ बाहर है, हैं इधर देखो। अरे ये कौन है गंदा था बच्चा, ये तो मीरो का बेटा है। हाँ ये कौन है, ये देखो इनका सोने का ढंग, ये अलग ही ढंग के स्लीपिंग पोज में रहते हैं। नींद आ गई बच्चों को, नींद आ गई बच्चों को, पिचकू पिचकू से मुंह के बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे दांत मारे कच्चे। मुंडी लाना सीख गए, चलना सीख गए, और देखो उल्टा ही चलते हैं, बैक गेयर ही चलता है इनका, बैक गेयर ये देखो बैक गेयर। भाई साहब पांचवा गेयर पहले नहीं डलता, अच्छा तुम्हारे में यही होता है क्या? ओके भाई चलो ठीक है, तुम चलाओ, तुम्हारी रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग। ये कौन बेटा है, अरे तुम भी बगीरा की तरह पोज बनाने लग गए हो, तुम भी बगीरा की तरह पोज बना रहे हो। इसको देखो दूध कहाँ मिला, बेटा ये दूध नहीं है मेरा हाथ है। इसको मेरा हाथ पी, इसको मेरा हाथ मिला है दूध, ये देखो गीला कर दिया, और ये इनको मेरा पैर मिला है दूध। बेटे मम्मा को बुलाते हैं, मम्मा दूध पिलाएगी, रुको गीला मत करो मुझे, रुको मम्मा को बुलाते हैं। ये है हमारा शैतान बल्लू, एक मिनट बल्लू ने क्या कर रखा है ये, बल्लू की तो बचपन से ही जीभ बाहर रहती है हमेशा से, जब ये छोटा था तब भी और अब भी, और शायद बड़ा हो जाएगा तब भी इसकी जीभ बाहर ही रहेगी बल्लू की। अमूल की दूध हम लाए हैं,
वैसे कहा जाता है कि जो कैट है ना अपने बच्चों को किटन्स को अगर अपनी टंग से साफ़ करती है तो बहुत अच्छी तरीके से साफ तरीके से साफ़ होते हैं बच्चे। और जब तक बच्चे बड़े ना हो ना, मतलब इनका मतलब छोटे रहे ना, तक सेल्फ फीडिंग पे ना आ जाएं, थोड़ा एक्टिव ना हो जाएं, तब तक तो इनको अवॉइड ही करो कि हाथ ना ही लगाओ, दूर से इनको प्यार करो। हालांकि बहुत ज़्यादा क्यूटनेस होती है इनको, मतलब रहा नहीं जाता, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता, मैं तो फिर भी इनको दे लेती हूँ, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन करती हूँ इस चीज़ के लिए कि इनको हाथ ना लगाऊं। देखो 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 ये देखो लड़ाई कैसे हो रही है, देखो इनको एक तरफ दूध पियेंगे दूसरी तरफ इनका हाथ चलेगा धकाई धक धकाई धक, है ना लड़ाई। तो और जो किटन्स होते हैं वो लिटर नहीं करते हैं 45 डेज तक, मतलब 1 मंथ मान लो, 1.5 मंथ, ठीक है। और उतने दिन तक जो है जो कैट है ना वही उनको यूरिन पास कराती है, क्योंकि पॉटी वगैरह पुप्स वगैरह तो वो करते नहीं है, बस वो यूरिन करते हैं तो वो भी वो मदर जब उसको लिक करती है तो जब भी यूरिन करते हैं वो नेचुरल होता है इन कैट्स के अंदर। तो देखो कैसे फाइट कर रहे हैं, देखो दूध के लिए फाइट कर रहे हैं, इनके अलग ही हाथ पैर चलते रहते हैं मटर मटर से, ये मटर मटर से। तो मैंने अब की बार जो है पिछली 2 बार से मेरे जो किटन्स थे वो किटन के ना फंगल हो जा रहा था, क्योंकि साफ़ सफाई का मुझे मेरे को भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि किटन्स कैसे रखने, तो मैंने ध्यान दिया कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो मैंने इनको ना वेट वाइप से साफ़ कर दिया था नेक्स्ट डे, और बाबरी को तो मैंने सेम मतलब नेक्स्ट डे नहला ही दिया था, जिसका मैंने व्लॉग डाला भी था, मैं आइए उसमें मेंशन कर दूंगी उस व्लॉग का लिंक। तो बाबरी को तो मैंने सेम डे पे मतलब नेक्स्ट डे नहला ही दिया था, और उसके अगले दिन फिर मैंने इनको भी वेट वाइप से क्लीन कर दिया था। फिर बाबरी तो करती रहती है इनको साफ़, और अभी देखो बाबरी कितने मज़े से सोने लग रही है इनको दूध पिलाने के लिए। मतलब इसको बहुत सुकून मिलता है जब ये बच्चों को दूध पिलाती है, ये मतलब बच्चे क्या ही पैदा करें, देखो दूध पी रहे हैं ये उधम मचा रहे हैं दूध के साथ में इनको। मतलब पहले 6 बच्चों को आराम से दूध पिला लेते थे, अब ये 5 उन्हें आतंक मचाना होता है, ये 5 नहीं पी पाते दूध। ये देखो ये देखो। तो अब की बार एक और चीज़ है कि 2 बार जो बच्चे हुए थे फर्स्ट टाइम वालों में लड़कियां ज़्यादा थी, मतलब बिल्लियां ज़्यादा थी और बिल्ला कम था, एक ही बिल्ला था। अब की बार एक ही बिल्ली हुई है और 4 बिल्ले हुए हैं। अब देखते हैं इनका आई का कलर क्या होगा। देखो देखो युद्ध मचा रहे हैं, पूरा युद्ध मचा रहे हैं, वो फुल आतंक। मतलब मेरे को लग रहा है ये लड़की है, ये वाली लड़की है, एक जो होता है ना अकेला, जैसे पहले इनमें एक लड़का अकेला था वो शैतान था, तो बाकी सारी लड़कियां शांत थी। देखो 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 भाई पुलिस बुलानी पड़ेगी क्या। देखो देखो हाथापाई पे उतारू हो चुके हैं, मतलब इन इससे कोई नहीं बस। देखते हैं ये है क्या, ये लड़की है लड़का है, एक मिनट इसको चेक करते हैं। एज यूजल लड़की है ये, है ना बिल्ली है, अपने भाइयों पर हुक्म चला रही है। लो घुस जाओ घुस जाओ जल्दी घुसो। तो एक अकेली सब पे भारी हो रखी है, देखो एक नारी सब पे भारी। देखो ओ हो चिल्ला भी रही है और दूध भी चाहिए इसको, और भाई दबा रहा है उसको क्या, नहीं नहीं नीचे हो गए लेट, छोटी है तो छोटी है, सबसे खोटी है, सबसे ज़्यादा शैतान है, चिल्लाएगी भी बराबर और दूध भी चाहिए इसको। बस हमारा जो काली है ना बगीरा की 2 कॉपी, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको दूध मिल गया है, वो अपना वो ढूंढने में लगी पड़ी स्टिल। तो मैं थोड़ी सी बाबरी को मदद कर देती हूँ, तुम इधर हो जाओ। ओहो इनको देखो, एक पे तो इन्हें दूध पी रखा है, एक पे हाथ रख रखा, भाई साहब इतना कब्जा नहीं चलता, लोंडिया को दूध पीने दो तुम, ये लड़की किस लिए है यहाँ पे भैया, दूध के लिए आई है ये भी। हाँ चलो फाइनली इसको दूध मिल गया है, हमने ये नवाब जो है एक पे कब्जा करके बैठे हुए थे, और एक जो है इनको चाहिए था पीने के लिए, और एक इनको सेविंग मतलब रिजर्व करके रखना था कि हाँ बाद में, इतना नहीं चलता भाई साहब, पीना पड़ता है, अपना अपना टाइम पर सब पियो। तो बाबरी गई है सो, पिलाते पिलाते मेरी ही सीट पे सो गई, इसको बताई पता नहीं इतना मज़ा आता है मेरी सीट पे बच्चों को लेके लेटने में। देखो देखो वो फिर से लड़ाई होगी इनमें मुझे लग रहा है। मैंने इनको खिलाने के लिए बेड पे रखा था, फिर ये मुझे पता चला कि ये दूध मांग रहे हैं, तो मैंने बाबरी को बुलाया, दूध पिलाओ भाई बाबरी, छोटे छोटे बच्चों को क्यूटी क्यूटी पाई है ये, क्यूटी क्यूटी पाई। चलिए